हेलो गाइस, मैं हूँ जाला प्रीतेश और आपका टेक्निकल और मोटर्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आज हमने पीछे से शुरुआत की है किया सोनेट की, तो हम पीछे से ही शुरुआत कर लेते हैं। सोनेट की बात करें तो आपको 392 लीटर्स का आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको बूट लाइट भी देखने को मिलेगी। काफ़ी डीपी और काफ़ी स्पेशियस लगने वाला आपको पूरा किया सोनेट का आपको बूट स्पेस। 15 इंच के आपको टायर दिखने वाला है, लेकिन ये स्टीम रियर है, एलॉय आपको देखने को नहीं मिलेगा। HTX वेरिएंट है ये किया सोनेट का। अब बात की थी यहाँ पे तो काफ़ी आपको अच्छी सा एलिमेंट देखने को मिलेगा ब्लैक पे, ये वाइट कलर पे आपको काफ़ी अच्छा लुक देने वाला है। यहाँ पे आपको क्रोम डोर्स मिलेंगे आपको चारों के चारों डोर्स में। देखते हैं कि कितनी स्पेस रहती है पीछे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको मैन्युअली एडजस्टेबल सन ब्लाइंड देखने को मिलेगा। ये वैसे भी आपको समझ में काफ़ी यूजफुल फीचर रहने वाला है। और यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर पीछे वाले डोर में नहीं देखने को मिलता, लेकिन आगे वाले डोर में आपको अम्ब्रेला होल्डर भी देखने को मिलेगा। लेकिन पीछे वाले डोर में आपको सिर्फ 1 लीटर का बोतल आ सके उतनी ही स्पेस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला पीछे का इंटीरियर सोनेट में। चलिए अब अंदर बैठते हैं, सोनेट में कितनी स्पेस है देखते हैं। स्पेस के लिए वैसे भी उतना ज़्यादा जाना नहीं जाता, लेकिन देखे तो मतलब मेरे हिसाब से 2 जने तो आ ही जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, जब आप 13-14 लाख की गाड़ी लोगे तो आपको पीछे 2 जनों की स्पीड से आपको देखने को मिलेगी ही। लेकिन यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट भी देखने को मिलेगा और हेड रेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बीच में थर्ड पैसेंजर के लिए आपको हैंड रेस्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको इधर आपको हैंड एडजस्टेबल हैंड रेस्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको पासर ट्रे भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा एयरी फील कराने के लिए यहाँ पे ग्लास भी डाला गया है और इस तरफ भी आपको ग्लास का आपको पूरा सिस्टम दिखने वाला है। कुछ इस तरह से आपको फ्रंट में इंटरेस्ट दिखने वाले हैं। और किया सोनेट की बात करें तो सेगमेंट में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इंटीरियर अगर कोई कार देती है तो वो है किया सोनेट। और इधर आपको पीछे आपको रियर एसी वेंट भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे एडजस्टेबल, और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट और यहाँ पे मोबाइल फोन रखने के लिए आपको स्पेस भी दिया गया है। ये सीट मेरे हिसाब से पूरी की पूरी पीछे है, लेकिन यहाँ पे फिर भी इतना स्पेस आपको देखने को मिलेगा। और थाई सपोर्ट भी उतना ज़्यादा खास नहीं कहूँगा मैं। और हाँ, आपको किया सोनेट में आइसोफिक सीट्स भी देखने को मिलेगी, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे स्पीकर्स देखे तो आपको 7 स्पीकर एक सबवूफर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे के इंटीरियर्स की। अगर बात करें तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर्स भी देखने को मिलेगा। अगर आप फ्रंट डोर की भी बात करो तो आपको यहाँ पे सारे विंडोज की कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे और इधर भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स देखने को मिलेंगे, जो आपको काफ़ी अच्छा ड्राइविंग में प्लेजर दिलवाएंगे। और यहाँ पे आपको स्पीकर्स इधर HTX मॉडल में इस तरह से देखने को मिलेंगे और इधर आपको अम्ब्रेला होल्डर भी देखने को मिलेगा और आपको 1 लीटर की बोतल भी आराम से आपको यहाँ पर आ जाएगी। आपको इधर मैन्युअली हाइट के एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिक आपको देखने को नहीं मिलेंगे सोनेट में। इधर आपको बात करें तो आपको यहाँ पे हेडलाइट की लेवलिंग देखने को मिलेगी, इधर आपको ट्रैक्शन के कंट्रोल ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको पुश टू स्टॉप का बटन भी देखने को मिलेगा और इधर आपको पूरे क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे और इधर आपको इंफोटेनमेंट के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। इस तरफ आपको RPM मीटर देखने को मिलेगा और स्पीडोमीटर आपको डिजिटल देखने को मिलेगा और इधर आपको फ्यूल के रिलेटेड आपको
देखने को मिलेगा, और इधर आपको व्हीकल के टेम्परेचर का आपको देखने को मिलेगा, और इधर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ऐसे कई सारे फीचर्स इसमें आएंगे, और ट्रिप एमटी एवरेज ऐसे सारे करके आपको फीचर इधर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए तो आपको सोनेट का इंटीरियर कुछ इस तरह से दिखने वाला, और इस स्क्रीन की मैं बात करूँ तो आपको 10 इंच की आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी, और आपको यही स्क्रीन आपको सेल्टोस क्रेटा में भी आपको सेम यही स्क्रीन देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, इसमें आपको 360 व्यू नहीं मिलता, वो मेरे हिसाब से होना चाहिए था इस कार में, लेकिन यहाँ पे आपको एप्पल कार प्ले है, एंड्रॉयड ऑटो है, और किया कनेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, और फिलहाल ही इसमें आपको अपग्रेड देखने को मिला है किया की तरफ से। किया की हमेशा से एक यही एक खास बात रही है कि वो अपने कस्टमर को सुनती है, उनके कस्टमर को समझती है, और कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, और उसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने का ट्राई भी करती। इसलिए देखें तो किया भी कोई भी कार देखे तो आप उस पे ऊपर हमेशा 6-7 महीने में एक बार कोई सा भी छोटा मोटा अपग्रेड किया जाता है, और यही किया का एक मार्केट स्ट्रेटेजी रहा है कि वो अपने कस्टमर को समझ के उसे जितना हो सके उतना खुश किया जाए। इसी वजह से किया इंडिया में बहुत ही कम समय में फेमस हो गई है। अब बात करते हैं इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की, तो काफ़ी यूनिक आपको देखने को मिलेगा क्लाइमेट कंट्रोल, और मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि सन की इस तरह से पोजीशन से तो मतलब वीडियो में उतनी ज़्यादा आपको क्लियरिटी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन किया सोनेट की यही एक खास बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि इसके जो एसी वेंट की डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी अच्छी लगती है, और ऐसा लगता है कि आप किसी प्लेन के कॉकपिट में बैठे हो, ऐसी फील आपको आती है, और काफ़ी रिच आपको रिच इंटीरियर देखने को मिलेगा पूरी सोनेट में, और जो इंटीरियर्स की क्वालिटी है जैसे कि मैं वीडियो के पहले में भी मेंबर बताया कि काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो के एंड में आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि क्या 14-15 लाख में आपको किया सोनेट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो आपका क्वेश्चन का आंसर मैं डेफिनेटली अपने वीडियो के एंड तक दूंगा, और उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं कई सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कभी YouTube पे किसी ने बताई नहीं होगी। यहाँ पे देखें तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल आप डायरेक्टली यहाँ पे से ही कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इधर आप देखें तो ग्लव बॉक्स भी आपको देखने मिले, लेकिन यहाँ पे आपको कूल ग्लव बॉक्स नहीं देखने को मिलेगा, और इसे यहाँ पे आपको बात करें तो आपको डायरेक्ट टाइप सी आपको पोर्ट नहीं दिया जाता है यहाँ पे टिपिकल USB आपको पोर्ट देखने को ही मिलेगा। और ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको 6 स्पीड मैनुअल वेरिएंट है ये। देखिए तो इसकी रियर कैमरा क्वालिटी जैसे कि किया और युंदे की जो कैमरा क्वालिटी जैसे कि रहती है काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, और गाइडलाइन के साथ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको दो कप होल्डर भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन रखने के लिए भी स्पेस दिया गया है, और इधर भी आपको क्रोम गार्निश देखने को मिलेगी, और इधर आपको सन ग्लास होल्डर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको सनरूफ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी सनरूफ देखने को मिलेगी। सनरूफ कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है, काफ़ी मतलब छोटी है लेकिन सफिशेंट है। वैसे भी इस कार में आपको पैनारोमिक सनरूफ का वैसे भी आपको फंक्शन दिया जाता है, तो भी उतनी बड़ी कार ही नहीं है जिसमें आपको पैनारोमिक सनरूफ दिया जाए, लेकिन अच्छी चीज़ है सनरूफ दिया भी गया है। जैसे कि मतलब देखे अगर विटर ब्रेजा में देखे तो कब से वो गाड़ी आ रही, लेकिन उसमें आपको आपको पैनारोमिक सनरूफ तो छोड़िए, आपको ये वाला भी सनरूफ नहीं दिया जाता, मतलब क्या ही बोले हो सुजुकी के बारे में तो। और यहाँ पे ऑटो डिमिंग आपको नहीं देखने को मिलता, आपको मैन्युअली आपको मिरर एडजस्ट करना होगा। और यहाँ पे बात करें टिकट होल्डर की तो आपको
यहाँ पे आपको मिरर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे मिरर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको लाइट नहीं देखने को मिलेगी। और हाँ, एयरबैग्स की बात करें तो अभी किया वालों ने अभी के अपडेट में ही 4 एयरबैग एज स्टैंडर्ड किए गए हैं, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मूव है किया की तरफ से। और अगर सेगमेंट में दूसरी गाड़ियाँ देखें, जैसे कि ब्रेजा की मैं ही बात ले लेता हूँ, वो सिर्फ 2 एयरबैग देती है, वो भी अपने टॉप वेरिएंट पे, लेकिन वहाँ पर भी किया वालों ने अपने बेस वेरिएंट में ही आपको 4 एयरबैग देखने को मिलेंगे। और आपको टॉप मॉडल लोगे तो उसमें आपको 6 एयरबैग देखने को मिलेंगे। और सेफ्टी फीचर्स की और एक बात करें तो आपको ABS, CBD और ये गाड़ी 3-स्टार रेटेड गाड़ी है। और यही प्लेटफॉर्म आपको सेल्टोस, कारेंस और सारी जो ग्लोबली बिकती है किया की, उन सारी गाड़ियों में आपको वही प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा किया की तरफ से। और किया की मतलब मैं एक कंक्लूजन की मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से 1.5 जो डीजल वाला वेरिएंट है वो किया सोनेट का गेम चेंजिंग वेरिएंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको बेस्ट डीजल इंजन मेरे सब कहे तो आपको सिर्फ और सिर्फ किया सोनेट में मिलता है, क्योंकि उसमें आपको 24 की माइलेज आती है। और मतलब वो भी ऑन पेपर है, अगर आप अपने जैसे भी चलाओ मेरे हिसाब से 15 की तो नहीं तो आ ही जाएगी। ऑटोमेटिक में भी वो लोग 24 की लगते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी 15-16 उतनी तो निकाल ही देगी DCT में। और इसमें आपको प्योर ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मतलब कि अगर आपको किया सोनेट मतलब 15-16 लाख खर्चने हैं उतना आपको पे करना है, तो मेरे हिसाब से आपको इससे आगे सेल्टोस है या मतलब पोशाक है, ऐसे आपको गाड़ियाँ कंसीडर करनी चाहिए सोनेट के अलावा। अगर आपके 10 लाख के अंदर लेना चाहते तो डेफिनेटली आप सोनेट देख सकते, लेकिन उसमें भी आप नेक्सोन आप देख सकते, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, क्योंकि उसमें 5-स्टार रेटेड गाड़ी है। और XUV300 भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, उस पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी ही देखा जो यहाँ पे ग्रिल है वहाँ पे पूरा कवर्ड किया गया है, मेरे ये काफ़ी अच्छी मूव किया है किया वालों ने, क्योंकि मैंने अभी तक कोई सी भी गाड़ी में ऐसा नहीं देखा है इस प्राइस रेंज में कि जो पूरी आगे की ग्रिल है उसको कवर किया गया है। और इधर भी आपको देखें तो काफ़ी अच्छा आपको क्रोम फिनिश भी देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल कहें तो मतलब किया वालों ने काफ़ी अच्छी मेहनत भी की है और काफ़ी अच्छे फीचर्स भी दिए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक मैं चीज़ आपको बताना तो भूल ही गया, अगर आप मतलब मेरे उम्र में से आप बड़े हो तो आपको एज अ छोटा भाई, अगर आप मेरे से छोटे हो तो आपका बड़ा भाई समझ के, आपकी ही चैनल समझ के मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही देना। और अगर आपको कोई से भी आपका क्वेश्चन है सोनेट के रिलेटेड या किसी भी कार के रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको क्वेश्चंस आपको जितने हो सके आपको फास्ट रिप्लाई करूँगा।